अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही ज़्यादा आजकल फैशन में इन क्रश्ड फैब्रिक, और इससे आज हम शरारा बनाना सीखेंगे। ऊपर अलहदा से फुल घेर में हमने इसको बनाया है। इसके लिए आपको कितना फैब्रिक रिक्वायर है और इसकी कंप्लीट कटिंग स्टिचिंग आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को मिस ना कीजिएगा, कम्प्लीट देखिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए है क्रश्ड फैब्रिक, और ये यहाँ पर मैंने 2.5 गज लिया है, ठीक है। 2.5 गज स्मॉल मीडियम साइज़ इजीली आप इसके साथ बना सकते हैं, इवन के लार्ज साइज़ का भी आप इसी के साथ और अगर बना इसकी सकते प्राइस हैं। की बात की जाए तो ये मुझे 600 पर गज़ के हिसाब से उन्होंने दिया है, और कम्प्लीटली ये मुझे 1500 का पड़ा है। इसके अलावा हमने इसके अंदर की लाइनिंग भी ली है, क्योंकि ये एम्ब्रॉयडर्ड है तो अंदर वाली साइड से चुभे ना, इसलिए लाइनिंग लगाएंगे और इसके साथ डोरी पाइपिंग लगाएंगे। चलिए अब इसकी हम साइज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो रेडी लेंथ चाहिए वो 34 इंचज़ है, और 34 इंचज़ ही हम इसको रखेंगे कटिंग में भी। बेल्ट हम 1.5 इंच की डालेंगे रेडी करके, और वेस्ट जो है वो हमारे पास 30 इंचज़ है, हम लूज़ रखेंगे 33 इंचज़ के साथ जाएंगे। पासिंग या क्रॉच एरिया बेल्ट को ऐड करके 14 इंचज़ रखना है। ये मेजरमेंट्स आप नोट कर लें, उसके बाद हमने जो कटिंग में रखनी है वो मैं भी आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। सबसे पहले हमने अपने फैब्रिक को फोल्ड करके 4 पार्ट्स में रख लेना है, ठीक है जी। क्योंकि इसकी जो लेंथ और वेथ है वो भी मैं कम्प्लीटली आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसकी लेंथ कितनी आ रही है। ये देखिए हम इसको मेजर करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारे पास लेंथ इसकी आ रही है 37 इंचज़ है, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट थी 34 इंचज़ की। इट मींस कि हम इसको लोअर साइड से कट करेंगे, 34 इंचज़ पर ही मार्क लगाएंगे, और इसके अंदर हमने 34 इंचज़ से कम ज़्यादा नहीं करना, ठीक है ना। जितनी आपके पास जितनी भी लेंथ होगी आपने उतनी ही रखनी है, क्योंकि ऊपर और नीचे हमारे पास सीम अलाउंस मिल जाएगा। और अगर इसकी विड्थ की बात करते हैं तो ये 18.5 है और ये 40 है, मीन्स इसकी टोटल विड्थ जो है वो 37 इंचज़ है एक पार्ट की, ठीक है। तो हम इसकी कटिंग वगैरह इतनी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसको फुल घेर में रखना है। ऊपर हम इसकी चुनट वगैरह ऐड कर लेंगे, और उसके बाद हमने इसकी कटिंग नहीं करनी। जस्ट हम अपनी लेंथ निकालेंगे 34 इंचज़ पर, इसको हम मार्क करेंगे और सीधा ऐसे ही हम इसको कट कर लेंगे। याद रखिए कि यहाँ पर मैंने इसके 4 पार्ट्स रखे हुए हैं, फ्रंट और बैक के, जैसे हम ट्राउज़र की कटिंग करते हैं वैसे ही। और उसके बाद अब हम ऊपर अगर बात करते हैं, इसकी कोई वेस्ट वगैरह की कटिंग नहीं करनी है, जस्ट हम सिंपली इसके जो है ना नीचे से क्रॉच एरिया का एक मार्क लगाएंगे या एक छोटा सा कट लगाएंगे। अब मैंने जैसा कि पहले कहा कि हमने इसकी कोई कटिंग नहीं करनी है, सिंपली हमने फ्रंट और बैक के हिस्सों को एक बराबर करते हुए जो है ना उसको थोड़ी सी शेप दी है, ताकि अगले और पिछले पार्ट्स जो अनइवन पार्ट्स थे उनको हमने कट कर दिया है। अब हमने जितना चौड़ा अपना ये फैब्रिक रखा है उतना ही हमने इसका चौड़ा इनर रखना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको कम चौड़ा भी रख सकते हैं, और उसके बाद आप साइड की सिलाइयों को आप डिफरेंट जो है ना अलहदा अलहदा लगा लेंगे, इनर की और प्लाजो की। जो हमारे पास अंदर की सिलाइयाँ होंगी वो आप सेपरेट लगा लेंगे, आसन को एक साथ जोड़ेंगे। जितनी आपने इसकी लेंथ रखनी है उतनी आपने इसकी लेंथ कट कर लेनी है, और उसके बाद जैसे जैसे हमने नीचे वाले को शेप दी थोड़ी सी हमने इसको शेप दे लेनी है। इनर के भी हमारे पास यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं जिसको हमने फोल्ड करके रखा है, और उसके बाद जो हमने आसन का निशान लगाया था वहाँ पर हमने इनर के और नीचे वाले अपने जो हमारे पास क्रश फैब्रिक था उसके ऊपर एक कट लगा लिया, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमने आसन की सिलाई कहाँ तक लगानी है। उसके बाद हमने ऊपर वाली बेल्ट के लिए फैब्रिक लिया, जिसकी विड्थ हमने यहाँ पर 3 इंच रखी है, और इसकी लेंथ कितनी रखनी है ये आपको आगे जाके वीडियो में डिटेल से बताती हूँ। आप चाहें तो आप अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग इसको वही 33 इंचज़ भी रख सकते हैं, लेकिन इसका और भी ज़्यादा आसान तरीका मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो अब हमने अपने इनर वाले पार्ट को और अपने जो हमारे पास शरारे का पार्ट है क्रश फैब्रिक का, उसको यहाँ पर एक छोटा सा ये देखें इस तरीके से कट लगा लेना है नीट करके, और उसके बाद कट तक हमने इसको आसन की सिलाई लगा लेनी है। इनको पहले हमने रफली स्टिच कर लेना है, ताकि हमें मज़ीद सिलाई करते हुए और बेल्ट लगाते हुए किसी किस्म की परेशानी ना हो। पहले क्रॉच एरिया की सिलाई लगा लेंगे इनको आपस में मिलाते हुए, और ये सिलाई वहीं तक लगानी है जहाँ तक हमने कट लगाया था। तो हमने इसको इसी तरीके से सिलाई कर लेना है फ्रंट और बैक के पार्ट्स को। इसी दौरान जो मेरी बहनें फर्स्ट टाइम चैनल पर आई हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक जरूर करें, इसके साथ साथ बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। सिलाई लगाने के बाद ये देखिए ऊपर की तरफ से होगा आपका क्रश फैब्रिक बढ़ जाएगा, चाहे आपने इसको बराबर भी रखा होगा, और इनर का कपड़ा थोड़ा होगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इनके मिड्स निकाल कर उसके ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। अब क्रश फैब्रिक के
और अपने इनर के मिड को हमने हाथ में रखना है, और उसके बाद जो क्रश का फैब्रिक एक्स्ट्रा आ रहा है ना उसको हल्की हल्की चुनट देते जाना है, क्योंकि ये क्रश हुआ है तो ये वैसे ही बढ़ता है, तो आपने इसको हल्का हल्का चुनट दे के इसको स्टिच कर लेना है। और उसके बाद जो नीचे की तरफ हमारे पास इनर था उसको भी हमने सादा सिलाई कर लिया अंदर की तरफ और इसको मोड़ लिया है। इनर की दोनों साइड हम इसी तरीके से पांचे को सिलाई कर लेंगे, और उसके बाद हम आसन को फ्रंट और बैक के आसन को आपस में ज्वाइन कर लेंगे, इसको स्टिच कर लेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सिंपल ट्राउज़र में करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके फ्रंट और बैक के पीसेस को जो है वो स्टिच कर लिया है। अब बेल्ट की बारी आती है। बेल्ट लगाने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप इसके अंदर चुनट डालें और जितनी आपकी वेस्ट है 33 इंच 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8.5 इंचेस, और इसको जब आप दोबारा 8.5 इंचेस प्लस करेंगे तो आपके पास 17 इंचेस आ जाएगा। तो 17 इंचेस फ्रंट की और 17 इंचेस बैक की बेल्ट बनाकर, और जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा आपने इसको बेल्ट के अंदर दबाना है। और इसका दूसरा बहुत ही आसान तरीका ये है कि हमारे पास ऊपर से जितना भी इसका घेर आ रहा है, जितनी ही खुली आ रही है, उतनी ही हम इसकी बेल्ट बना लें, और जब हम इसके अंदर इलास्टिक डालेंगे तो क्या होगा कि ये खुद ही से इसके अंदर चुनट बन जाएगी और इलास्टिक ऊपर से स्टिच हो जाएगी, तो वो बहुत ही आसान तरीका रह जाएगा। ठीक है, तो मेरे केस में इसका घेर जो था वो 33 फ्रंट का और 33 बैक का था, तो इस हिसाब से हम अपनी ये जो बेल्ट है उतनी ही खुली लेंगे। 66 आती है मेरे केस में, तो मैं इनको आपस में ज्वाइन कर लूँगी फैब्रिक के पीसेस को, और जितना ऊपर घेर है उतनी ही बेल्ट बना लूँगी, और इलास्टिक ऐड करूँगी तो ये खुद ही से इसके अंदर चुनट आ जाएगी। ठीक है, तो इलास्टिक की देखिए हमारे पास 1 इंच चौड़ी है, तो हमने अपनी बेल्ट को इससे थोड़ा खुला रखना है। और अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो आपके पास जितनी आपके पास वेस्ट है उसमें से आपने 8 इंचेस माइनस, मेरे केस में वेस्ट 33 इंचेस थी उसमें से 8 इंचेस माइनस करेंगे तो 25 इंचेस आ जाएंगे, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट होगी। आपने भी इसी फॉर्मूले को लेके चलना है। अब बेल्ट को हमने आपस में जितने पीसेस से मुझे चाहिए थे वो मैंने उनको इधर जोड़ लगा लिया, और उसके बाद हमने इसको प्रेस कर लेना है। दोनों साइडों से देखें मैंने थोड़ा थोड़ा फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है, मिड में क्रीज बना ली है, इसको ये इस तरीके से बेल्ट की शेप दे ली है। और अगर आप इलास्टिक रख के देखें तो देखें 2 सूत्र हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है नीचे की तरफ फैब्रिक, तो आपने भी बेल्ट इसी तरीके से बनानी है। आई होप कि सब पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा पर या फेसबुक पर मोमो ड्रेस डिजाइनिंग के पेज पर आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। और अगर बेल्ट की क्रीज की बात करें, देखें जो नीचे वाला हिस्सा है ना उसको मैंने थोड़ा सा बढ़ा के रखा है ताकि जब हम इसके बीच में अपने इस प्लाजो को स्टिच करें ना तो नीचे वाले हिस्से के ऊपर सिलाई ज़रूर आए। अब आपने इसकी मिड से जो है थोड़ा सा आगे की तरफ, पीछे से हमने बेल्ट को थोड़ा सा छोड़ देना है 1-2 इंच, और उसके बाद आगे से हमने ये देखें बीच में हमने प्लाजो वाला फैब्रिक रखना है और ऊपर से इसकी सिलाई लगा देनी है। जो नीचे की तरफ बेल्ट का हिस्सा बढ़ा कर रखा था वो इसलिए रखा था कि जब हम सिलाई लगाएं तो उसके ऊपर ऊपर सिलाई आती जाए। इस पॉइंट पर को ज़रा गौर से देखिए, जब हमने एंडिंग करनी है तो हमने थोड़ा पीछे लाकर इसको स्टॉप कर देना है। उसके बाद ये देखें इसको ओवरलैप करना है, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये देखें यहाँ पर हमने इसको निशान लगा लिया, तो जहाँ पर ये ओवरलैप कर रहे हैं वहाँ तक, जहाँ पर हमारे पास फैब्रिक पूरा हो रहा है इसके ऊपर हमने निशान लगाने के बाद सिलाई लगा देनी है अंदर वाली साइड से। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे, और आप ये देखें इसमें से हमने थोड़ा सा अभी भी सुराख रखना है, दोबारा इसको सिलाई करेंगे ताकि हम इसके अंदर से इलास्टिक को गुजार सकें। अब इसके अंदर हम अपनी जो इलास्टिक हमने मेजर कर रखी है वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और उसके बाद हम इस इलास्टिक को यहाँ पर स्टिच कर लेंगे अच्छे से। स्टिच करने के बाद जो ऊपर से थोड़ी सी सिलाई छोड़ी थी वो भी हम यहाँ पर सिलाई कर देंगे। तो जी यहाँ पर हमारे पास अच्छे से ये सारा कुछ हो चुका है, और अब हम इसको लास्ट में फाइनल एक टच देने जा रहे हैं, और यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसकी चुनट खुद ही से बन गई है। अगर हम अलहदा से वो वेस्टेड बेल्ट बनाते तो आपको जो है बहुत ज़्यादा मसला बनता कि हमने कितनी चुनट देनी है, कैसे देनी है, कैसे करनी है, तो ये बहुत ही ईजी तरीका है। अब इसके पांचे की तरफ आते हैं, सिंपली हमने यहाँ पर डोरी पाइपिंग ले ली और पाइपिंग फुट लगाएंगे और इसके ऊपर यहाँ पर इसको सिंपली स्टिच कर देंगे। पांचे की सीधी साइड पर हमने पाइपिंग की सीधी साइड रखनी है, इसके ऊपर सिलाई लगानी है, उसके बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे।
और इसमें आपने फैब्रिक को बिल्कुल भी नहीं खींचना, क्योंकि क्रश फैब्रिक है, खुलता है जैसे है, इसके ऊपर आराम आराम से हाथ रखते हुए आपने इसको सिलाई कर देना है। नीचे की साइड से हमने तुरपाई कर ली है, जो प्लाजो है वो रेडी हो चुका है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको पिनअप कर दिया है और इसकी ये लास्ट सिलाई जो है हम वो लगा लेंगे। पिनअप करने का मकसद ये है कि जो हमारा इनर वाला फैब्रिक है वो आगे पीछे ना हो। ये इसकी एक सिलाई लगा के और ये इसकी फाइनल लुक है। बहुत ही आसानी से बनने वाला और बहुत ही जल्दी बनने वाला और पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि एक एक पॉइंट क्लियरली आप तक पहुंचा सकूं। फिर भी अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर पूछिएगा। वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। मैंने ये शरारा मीडियम साइज़ में स्टिच किया है, अगर आप चाहें तो अपने साइज़ का, जैसे मैंने सारी मेजरमेंट्स बताई हैं, आप खुद बना सकती हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ की जो कुर्ती है, जो फ्रॉक है, शॉर्ट, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। वो मैंने जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आई हैं या जो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।